संसद में अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस का स्लोगन है फैमिली फर्स्ट नेशन लास्ट। इनके लिए फैमिली फर्स्ट मैडम, इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट नेशन लास्ट, ये इनका नारा है। वहीं राज्यसभा में रोहित वेमुला मुद्दे पर मायावती ने जवाब मांगा तो स्मृति ईरानी भड़क उठी। JNU विवाद का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में दावा किया गया है कि गो इंडिया का नारा बाहरी लोगों ने लगाया था। ये वीडियो 9 फरवरी का बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुस्लिम ASI की पिटाई पर कांग्रेस ने सरकार की विचारधारा पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के लातूर में मुस्लिम ASI के साथ मारपीट और भगवा झंडा थमाकर जुलूस निकालने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, देश में एक विचारधारा का आतंक बढ़ता जा रहा है। मारपीट के आरोपी वकील बोले, वंदे मातरम कहना गुंडागर्दी नहीं। पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान JNU के छात्र और पत्रकारों को पीटने के आरोपी वकील विक्रम चौहान पुलिस के सामने पेश हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देशद्रोह का मामला दबाने के लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं। मामूली सा इंसान हूँ भैया, मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं कहीं और से नहीं हूँ, मैं आम हिंदुस्तानी हूँ। ऑस्ट्रेलिया फिर बनी नंबर वन टेस्ट टीम। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही वो टेस्ट की नंबर वन टीम बन गई है। वहीं न्यूजीलैंड में क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। संजय दत्त कल जेल से होंगे रिहा। अवैध हथियार रखने के मामले में सजा पूरी करने के बाद संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल से रिहा होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि संजय की रिहाई के दौरान पत्नी मान्यता और फैमिली मेंबर सुबह पुणे पहुंचेंगे। नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।